बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग उमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। झीलों, आबशारों और तारीखी विरसे की हामिल सरजमीन चकवाल, निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान का तारीखी विरसा चकवाल और कलर कहार, जिसको पाकिस्तानी टूरिज्म के नक्शे में अभी तक शामिल नहीं किया गया, जबकि इन सरजमीनों पर जितनी झीलें और आबशारें हैं पाकिस्तान में और कहीं नहीं। मुझे कलर कहार मोटरवे पर सफर करने का इत्तफाक हुआ। वहां का पहाड़ी सिलसिला देखकर ही इरादा कर लिया था कि इन इलाकों की सैर करने जरूर जाऊंगा। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे शहर हैं जिनको तारीखी विरसा और पाकिस्तान की पहचान कहा जाता है। मिसाल के तौर पर उच शरीफ, मुल्तान, लाहौर, हड़प्पा, मोहिंजोदाड़ो, चकवाल और कलर कहार, ये सब तारीख के लिहाज से हजरत ईसा अलैह सलाम के दौर से भी पहले के आबाद हैं। कलर कहार चकवाल का एक खूबसूरत शहर है जो लाहौर और इस्लामाबाद की शाहरा पर वाकई है। रंग बिरंगे पहाड़ों में घिरे झीलों की सरजमीन में सरसब्ज सून वादी कहलाने वाले कलर कहार को सियाहती सनत के जुमरे में अभी तक शामिल नहीं किया गया, ये यकीनन गौर तलब बात है। चकवाल के यूं तो सारे देहात इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन कलर कहार ने इन पर सबकत हासिल की है। मुसलमानों के दौरे हुकूमत की कई यादगारें इस इलाके में मौजूद हैं और कहा जाता है कि बड़े सगीर में अपनी पेशकदमी से पहले हुक्मरानों के अहम फैसले यहीं किए जाते थे। बाज मौरख कहते हैं कि सिकंदर आजम ने चकवाल से आगे ना जाने का फैसला भी यहीं किया था। पंजाबी के मशहूर सूफी कलंदर सुल्तान बाहू ने कलर कहा कि पहाड़ी पर 40 रोज का चिल्ला काटा था और जिस जगह उन्होंने चिल्ला काटा था वहां आज भी दिया जलता है। इस चिल्ले के साथ वो मज़ार भी मौजूद है जहां रकम है कि इस मकाम पर मरहट्टों और मुसलमानों के दरमियान शदीद मारके हुए थे, जिनके दौरान हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी के दो पोते हलाक हुए थे। इनके मज़ार को आहू बाहू के नाम से जाना जाता है। ये मज़ार अब ज़ियारती दर्जा इख्तियार कर चुका है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद हर वक्त यहाँ मौजूद रहती है। चकवाल की आजकल अहमियत बढ़ गई है क्योंकि ये भारत के वजीर आज़म मनमोहन सिंह का आबाई वतन भी है। चकवाल की खास बात यह है कि यहाँ की सकाफत, खाने और कुदरती मनाजर और तारीखी विरसा है। बरसात हो, सख्त गर्मी हो या जाड़े की ठंड, चकवाल आपको हर मौसम में तफरीह के यकसा मौके फराहम करता है। यहाँ के तफरीही और तारीखी मकामात और इनकी तफसील पेश की जा रही है ताकि आपको वहाँ जाकर किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले कटास राज मंदिर के बारे में बात करते हैं। कटास राज में मौजूद मंदिर हिंदुओं के कदीम तरीन इबादत गाहें हैं, जिनका जिक्र इनकी इल्हामी समझी जाने वाली कुतुब में भी मौजूद है। ये मंदिर कितने कदीम है इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है, ताहम ये 1500 से 2000 साल तक कदीम बताए जाते हैं। मोटरवे कलर कहार इंटरचेंज से उतरकर 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर कटास राज की वसी तामीरात आपको खुशामदीद कहती है। पानी का एक बड़ा तालाब मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। हिंदू देवमलाई की दास्तानों के मुताबिक ये तालाब शिव देवता की बीवी सती के इंतकाल पर आंसुओं से बना था। हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब महाभारत में भी इसका जिक्र है, जो हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से 300 साल कबल लिखी गई थी। मंदिर के साथ कई होटल और यूथ हॉस्टल भी हैं। यहाँ बावजह मजबूरी रात को कयाम भी किया जा सकता है। नेज यहीं से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर खेवड़ा साल्ट माइन यानी के नमक की कान वाके है। खंडवाला झील मोटरवे कलर कहार इंटरचेंज से महज 10 मिनट की मुसाफत पे जलेबी चौक वाके है। वहां से दाएं जाने पाकिस्तान सीमेंट फैक्ट्री का रास्ता है और इसी रास्ते में खंडवाला नाम का गांव आता है। यहां मौजूद झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। खंडवाला गांव से 3 या 4 किलोमीटर की हाइकिंग पर सरसब्ज झील वाके है। गर्मी के तोड़ के लिए इस झील से अच्छी जगह शायद ही कोई हो।
फैमिली के लिए भी बहुत मुनासिब जगह है, ताहम वहाँ जाते वक्त खाने पीने का सामान साथ लेकर जाना पड़ता है। ये झील कब और कैसे तख्लीक हुई किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये झील कुदरती खूबसूरती का शाहकार है। नीला वाहन कलर कहार से खुशाब रोड की तरफ हो जाएं तो बोछाल गांव से चंद किलोमीटर बाद आपको चश्मा आबे शिफा का बोर्ड नजर आएगा। यहां आपको एक वादी दिखाई देगी जिसके आंगन में आबशारों और छोटी झीलों का एक सिलसिला है। एक साथ इतनी आबशारें आपने शायद ही कहीं देखी होंगी। फैमिली के लिए ये जगह थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि उतराई और चढ़ाई का मरहला तय करना पड़ता है, मगर चढ़ाई के वक्त अगर ख्वातीन साथ हों तो आप मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इधर भी खाने पीने का सामान आपको साथ ले जाना पड़ता है। इन आबशारों के साथ कुछ घने जंगल भी हैं जिनमें सांप, बिच्छू और जंगली सूअर भी पाए जाते हैं, लिहाजा ज्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं। अगर आपको तैरना नहीं आता तो गहरे चश्मों और झीलों से दूर रहें। मलूट किला, ये किला हिंदुओं के दौर की एक यादगार तामीर है। यहाँ से वो साल्ट रेंज के करीब हमला आवरों पर नजर रखते थे। कलर कहार से जलेबी चौक और फिर वहां से मलूट गांव का रास्ता आपको इस पोशीदा गोहर तक ले जाएगा। किला की तामीर तकरीबन 1000 साल पहले हुई थी। आज ये काफी खस्ता हालत में है, ताहम यहां आने का एक फायदा ये है कि आप इस किले से मोटरवे और पिंड दादन खान के मैदानों का तहते नजर नजारा कर सकते हैं। मगरब की चाय का जो मजा यहाँ है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। कलर कहार से इसका फासला तकरीबन 12 किलोमीटर है। क्यूसिक किला, बशारत गांव की तरफ जाती सड़क पर लहड़ सुल्तानपुर गांव आता है। वहां से दाएं जानिब एक रोड है जिसका नाम हाईवे टू हेवन यानी जन्नत का रास्ता है। यह बल खाती सड़क आपको क्यूसिक गांव ले जाती है जो एक बड़े टीले पर वाके है। इस टीले को एक बहुत बड़े किले ने घेर रखा है जिसे 11वीं सदी में एक मकामी राजा जोध ने तामीर करवाया था। राजा जंजोआ खानदान से ताल्लुक रखता था। टीले के पीछे खूबसूरत वादियों का सिलसिला है जो हाइकिंग और ट्रेकिंग के शौकीन अफराद के लिए निहायत मौजू है। आप अपना खाना साथ ले जाएं और किले से ऊपर मंदिर के साए में छोटी बड़ी पहाड़ियों के नजारों के साथ लुत्फ उठाएं। किले की दीवार की लंबाई तकरीबन 400 फुट है। इन तमाम मकामात के अलावा और भी बहुत से मकामात शामिल हैं। वक्त की किल्लत की वजह से आपको मशहूर मकामात बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल ट्रैवलिंग ओमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।